नमस्कार बंधुरा संचित क्रिएटर यूट्यूब चैनल पक्ष के अपन सकल के स्वागतम जाना। तो बंधुरा जो अपारा ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करते जान तक अपन जेखने अपनी पैन कार्ड अप्लाई करते जान से एक ऑफलाइन फॉर्म देवा हो जेटाते जे कैंडिडेट तार दुटो फोटो पेस्ट करते हो ताके जे कैंडिडेट ताके से फॉर्मर मध्य सिग्नेचर करते हो। तो आजकल वीडियोर माध्यमे पैन कार्ड बनानों समय जो ऑफलाइन फॉर्म फिल करते हो से ऑफलाइन फॉर्म जेटा फॉर्म नम्बर 49A से की रकम भाव स्टेप बाय स्टेप निर्भुल भावे फिल करबें से विषय आजकल वीडियो। तो वीडियो स्किप ना करे सम्पूर्ण देख चैनेले फर्स्ट टाइम विजिट कर ले नित्य नतून ए रकम अपडेट पाँच जो चैनल सबसक्राइब कर। तो बंधुरा देखो हमारा जे पैन कार्डे जो ऑफलाइन फॉर्म जेटा फॉर्म नम्बर 49A जेटा हमारा ओपन करेछी जेटाते सबथेके उपरे आपनारा देखते पाबेन लेखा थाकबे फॉर्म नम्बर 49A तार नीचे रयेछे एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नम्बर। तो एटा आपनादेर जे परमानेंट अकाउंट नम्बर बा पैन कार्डेर जोन्नो जे एप्लीकेशन तार जोन्नो एटा यूज करा हय। तो बाँदिके देखबेन आपनादेर जे आवेदनकारी तार जे फोटो सेटा पेस्ट करते होबे एबं डान दिके जे आवेदनकारी तार एकटा फोटो पेस्ट करते होबे सेटा पेस्ट करार पर आपनादेर जे आवेदनकारी तार बाँदिके जे फोटोटा रयेछे तार उपरे आपनादेर जे आवेदनकारी तार जे सिगनेचार सेटा क्रस करते होबे माने आपनादेर जे सिगनेचार सेटा फोटोर मध्येओ किछुटा थाकबे एबं नीचे फर्मेर मध्येओ किछुटा थाकबे जेरकम भावे करा रयेछे सेरकम भावे जे कैंडिडेट बा आवेदनकारी ताके सिगनेचार करिये नेबेन। एरपर डान पाशे जे बक्स रयेछे सेई बक्सेर मध्येओ से आवेदनकारी सिगनेचार थाकबे। तो सबथेके प्रथम आमरा नीचे चले आसब जेटाते एक नम्बर जेटा रयेछे सेटाते कि बोलछे देखे नेब। तो एक नम्बर बोलछे फुल नेम फुल एक्सपेंडेड नेम टू बी मेनशनड एज अपियरिंग इन प्रूफ अफ आईडेंटिटी डाटा डेट अफ बार्थ एड्रेस डकुमेंट्स इनिटियल्स आर नट पारमिटेड। तो एखाने बोलछे जे आवेदनकारी तार जे फुल नाम जेटा आपनी प्रूफ अफ आईडेंटिटी हिसाब से दिच्छेन सेटाते जे फुल नाम रयेछे सेटा आपनादेर नीचे लिखते होबे। तो फार्स्ट रयेछे प्लीज सिलेक्ट द टाइटल। तो एखाने जे आवेदनकारी तार जे टाइटल श्री मिस श्रीमती नाकि कुमारी ना मिस सेगुलो एखाने करबेन। तो आमार जे आवेदनकारी से श्रीमती ताई आमरा एसएमटির उपरे टिक चिन्ह देब। टिक चिन्ह देवार पर आपनारा नीचे चले आसबेन नीचे जे आवेदनकारी रयेछे तार फार्स्ट जे लास्ट नेम रही है से लास्ट नेम फर्स्ट अपन लिखते हैं से कैपिटल लेटर लिखे नबें और तरपर जो फर्स्ट नेम जैगे रही है से आवेदनकारी तरह फर्स्ट नाम लिखभन। आएक्टा कथा अपन थकी एप्लीकेशन ऑफलाइन फॉर्म रोचन ये अपनारा ब्लैक बॉल पेने फिल करबें। एरपर नीचे चले आसबें दो नम्बर जो रही है जेटा लेखा रही है एब्रिविएशन अफ द अबव नेम एज यू वुड लाइक इट टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। उपरे अपने जे नाम दिए जी अपारा पैन कार्ड प्रिंट आउट करते चान तार जोन्नो जे रकम भावे प्रिंट आउट कराते चान तार जोन्नो एखाने आपनादेर जे उपरे आपनारा दिएछेन फार्स्ट लास्ट नेम एवं लास्टे दिएछेन फार्स्ट नेम। तो एखाने आपनादेर प्रूफ अफ आईडेंटिटी जे डकुमेंटटा साबमिट करछेन सेखाने जे रकम भावे आपनादेर नामटा थाकबे जे फार्स्ट नाम तारपर टाइटल सेरकम भावे फिल करबेन। देखो आमि लिखेछि जे आवेदनकारी तार फार्स्ट नाम दिएछि तारपर तार जे टाइटल सेटा लिखेछि सेटा लेखार पर नीचे चले आसबेन तीन नम्बरे रयेछे हैव यू এভার বিন নোন বাই এনি আদার নেম। যদি আপনার অন্য কোনো নাম থাকে তাহলে আপনারা ইয়েসের উপরে ক্লিক করবেন যদি না থাকে সিম্পলি নয়ের উপরে ক্লিক করে পরের যে মানে অপশান রয়েছে সেখানে চলে আসবেন। তো আপনারা নিচে চলে আসবেন নিচের যেগুলো রয়েছে এগুলো আপনাদের ফিল করার প্রয়োজন নেই তখনই ফিল করার প্রয়োজন আছে যদি আপনারা উপরে যে অপশানটা রয়েছে যে আপনাদের আরও অনেক অন্য নাম রয়েছে সেটা ইয়েস করলে নিচের যে অপশানগুলো সেগুলো ফিল করতে হবে তাছাড়া সেগুলো আপনাদের ফিল করার প্রয়োজন নেই। এরপর রয়েছে চার নম্বর যেটাতে আপনাদের বলছে যে জেন্ডার ফর ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাপ্লিক্যান্ট অনলি। তো যে আবেদনকারী সে যদি ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাপ্লিক্যান্ট হয় তো তার যে জেন্ডার সেটা এখানে যে বক্স রয়েছে সেখান থেকে আপনারা চুজ করে নেবেন যে মেল ফিমেল আর ট্রান্সজেন্ডার সেটা টিক চিহ্ন করবেন। সেটা টিক করার পর আপনারা ফার্স্ট নম্বর চলে আসবেন যেটাতে যে আবেদনকারী তার যে ডেট অফ বার্থ সেটা আপনাদের নিচে ডে মান্থ ইয়ার এই ফরম্যাটে লিখতে হবে সেটা আপনারা ডেট অফ বার্থ প্রুফের জন্য যে ডকুমেন্টটা দিচ্ছেন সেটাতে যে সঠিকভাবে ডেট অফ বার্থ রয়েছে সেটা দেখে ডেট মান্থ ইয়ার এই ফরম্যাটে লিখে নেবেন। সেটা লেখার পর নিচে চলে আসবেন ছ নম্বর
रही है अपन डिटेल्स अफ पैरेंट्स एप्लीकेंट ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट। तो एखे व्हेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन बाय फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली। तो जदि अपन मा सिंगल पेरेंट हो तेल येस क्लिक करबें, जो ना हो तो नयर उपर क्लिक कर नीचे चले आसबें। नीचे रही है अपन बाबार नाम जेटा अपन ब्रैकेट लेखा रही है मैंडेटरि एक्सेप्ट व्हेयर मदर इज ए सिंगल पेरेंट। तो एखे सिम्पलि अपन जे बाबार नाम जे प्रथम लास्ट नेम रही है से फिल करते हैं, से कैपिटल लेटारे फिल करबें। तरपर जे आवेदनकारी तरह जो बाबार नाम से फार्स्ट नेम से कैपिटल लेटारे फिल कर नीचे चले आसबें। नीचे अपन जे आवेदनकारी तरह जो मायर नाम तर लास्ट नेम प्रथम फिल करबें, तपर तर फार्स्ट नेम से अपनारा फिल करबें। से फिल करार पर नीचे चले आसबें। नीचे बोलते सिलेक्ट द नेम of either father or mother which you may like to be printed on pen card। तो अपनारा जार नाम पैन कार्डर उपरे प्रिंटेड कराते चाहिए तरह जे अपशन से बक्सर मध्य चेक करबें टिक चिन्ह देवें। तो कैंडिडेट तार पैन कार्डर उपर बाबार नाम प्रिंट कराते चाहिए, बाबार जो अपशन रही है फादार्स नेम सेटार उपर टिक चिन्ह देव। से देवार पर आपनारा सात नम्बर चले आसबें। सात नम्बर बोलते रेसिडेंस एड्रेस जेटाते फार्ष्ट रही है फ्लैट और डोर ब्लक नम्बर जदि आपन सरकम थे तो अपनारा अपन रूम नम्बर डोर नम्बर सेगुलो लिखते पें। डटार अफ दिए अपनारा जे बाबार नाम लिखते पें। एरपर रही है नेम अफ द प्रिमिसेस बिल्डिंग भिलेज, तो एखान नीचे जो भिलेज नेम से लिखभन। तरपर नीचे रही है पोस्ट ऑफिस रोड स्ट्रीट लैंड जार जेटा रही है सेगुलो कैपिटल लेटर फिल करबें। एरपर रही है एरिया लोकालिटी तालुका सब डिविजन अपन जे जार सब डिविजन सेगुलो नीचे लिखभन। लेखार पर नीचे चले आसबें जेटाते अपना लास्ट बोले टाउन सिटी और डिस्ट्रिक्ट अपन निजे जेटा टाउन किंबा सिटी किंबा डिस्ट्रिक्ट नीचे जे बक्स रही है तर मध्य फिल करबें कैपिटल लेटर। से फिल करार पर आपनारा नीचे चले आसबें जेटाते अपन स्टेट बा यूनियन टेरिटरी जेटा अपन फिल करते हैं निजे जेटा राज्य बा स्टेट रही है सेटा एखाने कैपिटल लेटारे लिखे नेबें। लेखार पर डान दिके देखबें आपनादेर जे निजेर जे पिनकोड रही है सेटा आपनादेर लिखते हबे। लेखार पर डान दिके आबार आपनादेर निजे जे कान्ट्री बा सबारि कान्ट्री इंडिया रही है तो कान्ट्री एखाने लिखते हबे। लेखार पर आपनारा नीचे चले आसबें देखबें नीचे रही है अफिस एड्रेस। तो आपनारा उपरे जदि अफिस एड्रेस सिलेक्ट ना करें ताहले आपनादेर अफिसेर जे एड्रेस सेटा फिल करार प्रयोजन नेइ, अपनारा सिम्पलि से स्किप कर जाबें। से स्किप करार पर नीचे चले आसबें। नीचे अपशन रही है एड्रेस फर कम्युनिकेशन अपनारा जोाजगर जो अपना कौन एड्रेस कौनटा सिलेक्ट करबें रेसिडेंट ना अफिस। तो जेहेतु रेसिडेंट सिलेक्ट कर टिक चिन्ह देव। से देवार पर आपन न नम्बर जो रही है जेटाते अपन निजे टेलीफोन नम्बर व मोबाइल नम्बर लिखते हो निजे जे इमेल आईडी जो अपन इ पैन कार्ड जो रही है जेटा अपन इमेल थ्रु सेंड करा निजे जो इमेल आईडी से सठिक भावे जे इमेल आईडी जैगा रही है सेखाने फिल करबें। सेखाने फिल करार पर दस नम्बर चले आसबें जेटाते अपन बला हो स्टेटस अफ एप्लिक। तो जे आवेदनकारी तार जे स्टेटस रही है तार जे बक्स रही है तार बाँ पाशे टिक चिन्ह देवें। तो आमार जे कैंडिडेट बा आवेदनकारी से इंडिविजुअल तार जोने इंडिविजुअल जे बक्स रही है तार सेटाते आमी टिक चिन्ह दिए। एरपर चले आसबें एगारो नम्बर रेजिस्ट्रेशन नम्बर फर कम्पानी फार्मस इट इज तो ये स्किप करबें। स्किप करार पर चले आसबें बारो नम्बर जेटा बोलछे इनकेस अफ ए पार्सन हू इज रिक्वायर्ड टू कोट क्वाट आधार नंबर और द एनरोलमेंट आईडी ऑफ आधार एप्लीकेशन फॉर्म एज पर सेक्शन 139AA। तो फर्स्ट अपन बला हुए प्लीज मेंशन योर आधार नंबर इफ एलोटेड, जदि जे आवेदनकारी कैंडिडेट तरह जो आधार नम्बर थे तो सिम्पलि अपन जो बक्स रही है सेटाते आधार नम्बर फिल करबें। और जदि ना थे तो नीचे चले आसबें जेटाते बोलते इफ आधार नम्बर इज नट एलोटेड प्लीज मेंशन द एनरोलमेंट आईडी अफ आधार एप्लीकेशन फर्म। जदि अपन आधार नम्बर ना थे तो नीचे अपन जे आधार कार्ड करार्जन जे एनरोलमेंट आईडी अप्लाई कर से समय जो एनरोलमेंट आईडी पेन से अपनारा लिखते पें। से लिखार पर नीचे चले आसबें। नीचे बोलते नेम एज पर आधार अपन जे कैंडिडेट बा आवेदनकारी तरह जे आधार कार्डे
नाम रही है से फिल करबें जेटा अपन फार्स्ट नेम लास्ट नेम ये फर्मेटे लिखभे लेखार पर नीचे चले आसबें 13 नम्बर जेटाते अपन बला हे कि सोर्स अफ इनकाम जे आवेदनकारी तरह जदि को सोर्स अफ इनकाम थे से अपनारा जो बक्स रही है से टिकचिन्ह कर सिलेक्ट करते पारें। तो हमारे जो आवेदनकारी से सिलेक्ट करब इनकाम फ्रम आदार सोर्स से सिलेक्ट करार अपनारा नीचे चले आसबें 14 नम्बर जो रही है से रिप्रेजेंटेटिव असेसमेंट बा आर एन। तो ये अपन जदि आवेदनकारी जे पैन कार्ड अप्लाई करछेन तार जदि बयस बा 18 उपरे होय बा माइनर ना होय ताहले आपनादेर एज पर्सेंट रही है ये आपनादेर फिल करार प्रयोजन नहीं। जदि आवेदनकारी माइनर होय बा तार बयस 18 बचर नीचे होय ताहले आपनादेर एज पर्सेंट रही है सेटा आपनादेर फिल करते होबे। तो सिम्पलि आमार जे आवेदनकारी तार बयस 18 प्लस रही है ताई एटा आमार प्रयोज्य नय। आपनादेर जदि प्रयोज्य होय आपनारा सेटा फिल करे नेबेन। सेटा फिल करार पर सिम्पलि आपनारा 15 नम्बर चले आसबें जेटाते बोलछे डकुमेंट सबमिटेड एज प्रूफ अफ आईडेंटिटी प्रूफ अफ एड्रेस एंड प्रूफ अफ डेट अफ बार्थ। तो अपनारा प्रूफ अफ आईडेंटिटी प्रूफ अफ एड्रेस प्रूफ अफ डेट अफ बार्थर जो जे सकल डकुमेंट सबमिट कर तार जो तार पासे जो बक्सगुलो रही है सेगुलो लिखबें। तो फार्स्ट रही है आई उई हैव एनक्लोज आधार कार्ड एज प्रूफ अफ आईडेंटिटी आधार कार्ड एज प्रूफ अफ एड्रेस आधार कार्ड एज प्रूफ अफ डेट अफ बार्थ। तो हमारा जो बक्सगुलो रही सेगुलो प्रतिटाते आधार कार्ड लिखे नेब कारण हमें आधार कार्डे प्रूफ अफ आईडेंटिटी प्रूफ अफ एड्रेस प्रूफ अफ डेट अफ बार्थर जो सबमिट कर आधार कार्ड सिलेक्ट करब। सिलेक्ट करार अपनारा नीचे आसबें जो 16 नम्बर रही है जेटाते बोलते आई उई तारपर जे कैंडिडेट बा आवेदनकारी तार नाम लिखबें लेखार पर द एप्लिकेंट इन द कैपासिटी अफ। तो अपनारा जेहेतु पूर्वे इंडिविजुअल सिलेक्ट करेछेन एखाने इंडिविजुअल लिखे नेबें लेखार पर नीचे चले आसबें। नीचे रही है प्लेस जे आवेदनकारी तार प्लेस नाम जेटा से लिखबें लेखार पर जे डेटे से फर्मटा सबमिट करछे से डेटा एखाने लिखबें लेखार पर डान दिके आबार से कैंडिडेट बा आवेदनकारी के सिगनेचार करिए नेबें। एरपर आरेकटा कथा होच्छे जे सकल कैंडिडेट सिगनेचार करते পারেন তার জন্য এটা এবং যে সকল ক্যান্ডিডেট বা আবেদনকারী প্যান কার্ডের জন্য সিগনেচার করতে পারেন না তাদের কি করণীয় রয়েছে। তো তাদের জন্য করণীয় হচ্ছে ওনাদের যে ফর্ম 49A যে রয়েছে সেটাতে ওনাদের যে বাঁ পাশে যেখানে ফটো রয়েছে সেখানে LTI বা লেফট থাম ইমপ্রেশন করিয়ে নেবেন। করার পর ডান দিকেও সেই বক্সের মধ্যে লেফট থাম ইমপ্রেশন করাবেন এবং ফর্মের যে পেছনে যেখানে সিগনেচার করতে হয় সেখানেও লেফট থাম ইমপ্রেশন বা আঙুলের ছাপ নিয়ে নেবেন। নেওয়ার পর সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে পর্সেন্টটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মধ্যখানে এরকম জায়গাটাতে আপনাদের যে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কিংবা আপনাদের মেম্বার কিংবা মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান কিংবা আপনাদের যে আধিকারিক রয়েছেন তার একটা সিগনেচার এবং স্ট্যাম্প করিয়ে নেবেন। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের আপডেট। আশা করি আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের প্যান কার্ড অ্যাপ্লাইয়ের জন্য যে অফলাইন ফর্ম সেটা কীরকমভাবে ফিল করবেন সে বিষয়ে স্পষ্ট বোঝাতে পেরেছি। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন। চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম ভিজিট করলে নিত্য নতুন এরকম আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের যে বেল আইকন সেটা প্রেস করে দেবেন কারণ যখনই আমরা এরকম নতুন কোনো আপডেট নিয়ে আসবো সেই আপডেট সবথেকে প্রথম আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। ধন্যবাদ।